सो हेलो गाइज, माई नेम इज रोहन और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और डेंजरस एक फिश डिजीज, वो है फिन रॉट। कॉमन इसलिए क्योंकि देखा जाए तो हर तरीके के जिसके जितने फिश भी है जिनका फिन लॉन्ग होता है या फिर ज़्यादातर फिश में ही ये फिन रॉट डिजीज देखा जाता है। और डेंजरस इसलिए है क्योंकि इस जो डिजीज़ है इसका अगर एक्सट्रीम लेवल में आपका फिश पहुँच जाए तो वो मरता तो है पर बहुत ही तड़प तड़प के मरता है। तो इसलिए ये फिन रॉट डिजीज इतना डेंजरस है। तो क्या है ये फिन रॉट, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले मैं बोल दूँ, ये जो फिन रॉट है ये एक फंगल डिजीज़ है, मतलब फिश के जो फिन होता है उनमें जब फंगस लग जाता है तभी ये फिन रॉट डिजीज़ होता है। तो पहले जान लेते हैं किस किस कारण से फिन रॉट डिजीज़ होता है। तो बेसिकली ये होता है पुअर वाटर कंडीशन के कारण, मतलब हो सकता है आपने बहुत दिनों से आपका जो टैंक का पानी है उसको चेंज नहीं किया, या फिर आप ओवर फीडिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है दूसरे मछली या कोई और मछली दूसरे किसी मछली को अटैक कर रहा है, उससे उसका फिन या किसी जगह कट जाए या फिर वो फट जाए और वहाँ से उसको फंगस लग जाए। इसी कुछ कारण के वजह से ही फिश में फिन रॉट डिजीज़ देखा जाता है। तो अगर आपने जो टैंक है उसमें भी अगर इसी किसी तरह का फॉल्ट है तो आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हर बार आपके प्रॉब्लम के कारण ही फिश में फिन रॉट नहीं होता, कभी कभार नए फिश में भी फिन रॉट रहता है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा फिश खरीदा जिसका फिन रॉट पहले से ही हो, आपने हो सकता है उसको नोटिस ना किया। इसलिए कभी भी अगर आप शॉप में जाए तो हमेशा देख के फिश चॉइस कीजिए कि किसी फिश में फिन रॉट है या नहीं। मतलब ये चेकेंगे कैसे, जब एक फिश का आप ले रहे हो तो देखना उसका जितने भी फिन्स है किसी में भी किसी तरह का जो फ्रैक्चर या फिर उसमें हो सकता है फटा हुआ इस तरह का किसी भी तरह का मार्किंग नहीं होना चाहिए, वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। अगर फिश का हर एक फिन एकदम परफेक्ट है मतलब उसमें फिन रॉट नहीं है, पर अगर किसी फिश में भी हो सकता है थोड़ा सा फटा है, आपने उसको उसे इग्नोर कर दिया, समझा कि वो ऐसे ही है, बस ऐसा नहीं है, ज़्यादातर केस में वो फिन रॉट ही होता है। इसलिए इस चीज़ के ध्यान रख के आप अपना नए फिश को बाय कीजिए। बात करें अगर फिन रॉट की सिम्टम्स की, तो ये देखा जाता है फिश के फिन्स में। तो फिन्स में अगर देखे हो सकता है उसका फिन्स का जो बॉर्डर एरिया हो वो थोड़ा सा फटा फटा सा हो, या फिर उसमें कोई वाइट लेयर हो इस तरह का कोई, या फिर उसमें कोई एक शार्प कट जैसा हो, मतलब दिखने से लग रहा है वहाँ पर किसी जगह से कट गया। ये जो चीज़ है इसको आपको नोटिस करना है। अगर आपने देखा आपके फिश में इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब वो फिन रॉट का सिम्टम्स है, तभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि अगर आपने इनिशियल स्टेज में इसको नहीं देखा तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, मतलब आपका फिश का जो फिन होगा वो धीरे धीरे रॉट होना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा जब आपका फिश का जो फिन है वो नहीं रहेगा, सिर्फ आपका फिश का बॉडी बचेगा और धीरे धीरे वो बॉडी भी छोटा होता रहेगा। इस टाइम इस स्टेज में अगर आपका फिश आ जाए तो उसको बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस स्टेज में आने के बाद फिश ज़्यादातर केस में बचता नहीं है। और अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर उसको पकड़े तो हो सकता है उसका फिन ठीक से वापस भी आ जाए, पर अगर एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाए तो ज़्यादातर केस में उसका फिन प्रॉपरली तरीके से आता भी नहीं है और फिश का हेल्थ भी बहुत डैमेज हो जाता है। इसलिए फिन रॉट को इनिशियल स्टेज में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फिश में फिन रॉट हो जाए तो इसमें ज़्यादा डरने या फिर पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। इनिशियल स्टेज में अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसका ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हो, पर हाँ ये ट्रीटमेंट तभी काम करेगा अगर उसका जो फिन रॉट का डिजीज़ है ये अगर इनिशियल स्टेज में हो सकता है थोड़ा थोड़ा फटा है, या फिर थोड़ा सा कहीं से उसका पंख उखड़ गया है, या फिर उसमें कोई कट आ गया है। इसी स्टेज में ही अगर आप अपने इस फिन रॉट डिजीज़ का ट्रीटमेंट करें तभी इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जो करना है, अगर आपने देखा आपका फिन रॉट है, अगर आपके फिश टैंक मतलब जो कम्युनिटी टैंक है उसमें अगर देखा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिश को ही लेके बाहर निकले, आप सारे फिश के ऊपर ये ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये फंगल डिजीज़ है, मतलब एक फिश में है मतलब दूसरे किसी फिश में हो भी सकता है, इसलिए आप पूरे टैंक में इसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो टैंक होगा उसमें पहले दिन ही उसका 50% वाटर चेंज कर दीजिए, उसके बाद उसमें नया वाटर ऐड कीजिए, या फिर वो अगर आपने देखा आपने हो सकता है ज़्यादा उसका जो पानी है उसका ज़्यादा ख़राब हो तो आप 50% से भी ज़्यादा पानी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी तरीके से जो उसका जो बॉटम लेयर होता है उसको अच्छी तरीके से साइफन कीजिए, क्योंकि उसमें कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको एक्वेरियम को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। ये करने के बाद आपको जो करना है वो है कि उस जो नया पानी आपने ऐड किया उसके अंदर 1 लीटर में 1 टीस्पून इतना सा अगर आप जो रॉक सॉल्ट होता है उसको ऐड करेंगे। ये रॉक सॉल्ट क्या करता है, जो बैक्टीरिया में जो लिक्विड होता है वो निकाल देता है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगता है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपने रॉक सॉल्ट डाला तो हो सकता है आपको लगा आपका फिश मर जाएगा, ऐसा नहीं है,
वो हो सकते हैं थोड़ा सा पैरालाइज्ड हो जाए या फिर धीरे धीरे वो गिरने लग जाए, पर ये ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जस्ट कुछ ही समय के लिए ये होगा, धीरे धीरे आपका फिश नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये रॉक सॉल्ट वाला ट्रीटमेंट होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसलिए पहले पे अगर आप इनिशियल स्टेज में पकड़ ले तो आप थोड़ा रॉक सॉल्ट से भी चलेगा, अगर आप ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो रॉक सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। तो पहले दिन आपने जब ये रॉक सॉल्ट का ट्रीटमेंट किया, दूसरा जो चीज़ करना है उसके अंदर आपको एक वाटर हीटर ऐड करना है। ये जो वाटर हीटर होता है ये 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर पर आपको रखना है, क्योंकि इसी टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं। इसलिए ये रॉक सॉल्ट और जो हीटर है इसको ऐड करने के बाद दूसरे दिन आपको फिर से 50% वाटर चेंज करके दोबारा उसमें पानी ऐड करना है। इसी तरीके से आप जब 7-8 दिन करते रहेंगे तो देखना धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। उसका फिंस में जो व्हाइट कलर का जो बॉर्डर था वो धीरे धीरे मिट जाएगा, आपका फिश धीरे धीरे हेल्दी होने लगेगा और उसका एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे वो एकदम क्योर हो जाएगा। पर मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है ये तभी काम करेगा अगर आपका फिश का फिन रॉट इनिशियल स्टेज में या फिर थोड़ा सा ही हुआ हो। अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में हो गया, मतलब आपका फिश का पूरा फिन खराब हो गया या फिर उसका फिन है ही नहीं, तब इसका ट्रीटमेंट का सोल्यूशन आना बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है ये काम ना करे। तो इसलिए पहले ही आप अपने फिश का जो फिन रॉट का जो सिम्टम्स है उसको चेक कर लीजिए और नए फिश खरीदते टाइम भी इस बात का ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हाँ अगर आपको किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।